यार तुम कैसे कर लेते हो इतनी धूप में काम? हमें तो आदत है। चलो तो ये यहाँ पर देखो बच्चों के हाथ में इतने सारे चिलो, चलो फटाफट। चुनर तेरी, चुनर तेरी, चमकती गुलाबी शरारा। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं कैसी दादी जी के घर, जो एक इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं पहाड़ से, क्योंकि मैं आई हूँ पहाड़ इसकी नानी के घर। गाइस अब हम जा रहे हैं छत में। तो ये है यहाँ का छत का व्यू, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और ये देखो ये पुराने पुराने घर हैं, और वो वाला घर देखो कितना ज़्यादा प्यारा है, और जिसमें हम रह रहे हैं वो भी बहुत प्यारा है। और ये देखो मतलब ऐसा है कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, बीच में हम रह रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि क्या ही बताऊं। और वो रही नीचे पे नानी जी, तो देखो कितना सुंदर है। और वहाँ पे ना वो जो पेड़ दिख रहे हैं वो चूलों का पेड़ है, अभी दूर से तो नहीं दिखेगा पर लेकिन उसमें बहुत सारे चूलू लग रहे हैं, और सच्ची बता रही हूँ मैंने तो बहुत सारे खा भी लिए। तो चलो चलते हैं अब नीचे। तो अभी ना सुबह सुबह मेरे पास थोड़ी अजीब सी हो रही है, क्योंकि मैं अभी सोकर उठी हूँ। वैसे तो सोकर नहीं उठी, मतलब मैं नहा गई हूँ, पर फिर भी आवाज़ में मेरी वो दम नहीं है जो हमेशा ही रहता है, जैसे मैं मिनी व्लॉग में बोलती हूँ बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर। और सच बताऊँ यहाँ पर मुझे वीडियो एडिटिंग करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि घर में तो मुझे पूरी फुल प्राइवेसी मिली रहती है, इसलिए मैं घर में दरवाज़ा लगा देती हूँ, मम्मी किसी बच्चे को चूँ चाय भी नहीं करने देती। और यहाँ पर बच्चे इतना हल्ला मचाते हैं, जितना इनको बोलो कि चुप रहो उतना ये और शोर मचाते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं नीचे, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए खाना खाने चलते हैं नीचे। नाश्ता अभी पता तो है नहीं मुझे कि बना भी है या नहीं, पर फिलहाल चलो देखते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं, तो चलो हम चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनाया जा रहा है। ये बाबा भाभी जी ने तो आते ही कर दिया, क्या कर रहे हो? तो ये है हमारी भाभी जी जो आती है अपने मायके में, लग गई काम पे साफ सफाई करने में। तो ये है यहाँ पर छोटी सी किचन। तो अब हम आ गए रसोई में, मुझे काम दिया गया है रोटियां बनाने का। वैसे तो मैं अपने घर में नक्शे जैसी रोटियां बनाती हूँ, पर आज देखते हैं कि मैं यहाँ क्या कमाल करती हूँ, सबको खुश करती हूँ कि सबको तंदूरी रोटियाँ खिलाती हूँ। तो चलो लग जाते अपने काम पे, और कैमरा मैन बनेगा मेरा आरव। चलो फोन पकड़ो और मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं रोटी बनाती हूँ, वीडियो नहीं रोटी बनाती हूँ। चकला बेलन, तो भाई सब हम देखते हैं। ओ मिल गया मिल गया, तो ये मिल चुका है हमें सारा सामान, और अब हम बनाएंगे रोटियाँ। तो ये गई मेरी पहली रोटी, भगवान मेरी लाश रख देना बस यहाँ पर। तो ये जा चुकी है यहाँ पर मेरी रोटी। तो अब मैं मिलती हूँ आपको सारी रोटियाँ बनाने के बाद, क्योंकि मेरा कैमरामैन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो कहीं की वीडियो कहीं बना देता है, तो इसीलिए मैं आपको रोटियाँ बनाने के बाद मिलती हूँ। क्योंकि देखो मुझे इतनी सारी रोटियाँ बनानी है, ठीक है, जो कि मैंने आज से पहले कभी बनाई होंगी पता नहीं मुझे, तो इसलिए रोटियाँ ख़राब ना हो जाए और मेरी पहले ही दिन बेइज्जती ना हो जाए, तो इसलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो मैंने सारी की सारी रोटियां यहाँ पर बना दी हैं, ये देखो पूरा हॉट केस फुल भर कर ये सारी मैंने बनाई है। तो यहाँ पर रोटियां भी बन गई, और यहाँ पर बनाई है भाभी जी ने सब्जी, जो बनाई है आलू और सोयाबीन की। अब आलू तो मुझे पसंद नहीं है, पर मैं इसमें से सोयाबीन खा सकती हूँ। तो चलो अभी इसको फिलहाल ढक देते हैं, क्योंकि खाना मिलेगा थोड़ी देर में। तो अब हमें मिल गया है यहाँ पर नाश्ता खाने के लिए। तो रोटी कैसी बनाई है? ओए सुनो, रोटी कैसी बनाई है? बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मिल रहा है हमें घी साथ में खाने के लिए। तो चलो अब मेरा खाना भी लग चुका है, इसलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। नानी जी मुझे भी दे दो घी, इसे डाल दो घी। ये देखिए यहाँ पर पूरे तीन तीन बच्चे, तो और ये है इनकी मम्मियाँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इनकी शादी सबकी एक साथ हुई थी, बच्चे भी एक साथ हुए, और सबसे बड़ी बात ये है कि तीनों की तीनों लड़कियाँ। इनका महीनों में फर्क है ना, ये कितने महीने की है? ये कितने महीने की? तो ये है 5 महीने की, और ये 3 महीने की, और ये है 1 महीने की, है ना। तो चलो आप बोलिए, कुछ तो बोलिए।
क्या बोल रहे थे आप, मैं 3 दिन से नहीं नहाई होता है बच्चे के टाइम पे होता है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये इनकी तीनों मम्मी, और वो है मेरी भाभी जी, ये इनकी मम्मी और ये इनके प्यारे प्यारे बच्चे। अब आया तो गाइस इनकी मम्मी तो लगी है खाना खाने में, मुझसे इनके बच्चे की सेवा कराई जा रही है। अब ये सुसु करते रहेंगे, मैं इनके पजामे बदलती रहूंगी। अब मत करना, मैं सब पहना दी मैंने मम्मी की गोद में, करना अब मत करना दोबारा से। तो मैंने इसकी भी बदल दी, थोड़ा इसकी तरफ दिखा दो मेरे। तो मैंने इसकी बदल दी और अब मैं इसको पिला रही हूँ, ठीक है। चलो भाई आ जाओ जल्दी। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं कैसी दादी जी के घर, जो एक इतने बड़े घर में अकेले रहती हैं, है ना। अकेले ही खाना बनाती है ना, अकेले ही खाना बनाती है, अकेले ही रहती हैं। और ये देखो ये है प्यारा सा घर, भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रखा हुआ यहाँ पर इन्होंने गैस, और ये है सिलवट्टा, और यहाँ पर एक और घर है। लाइट जलाना जरा, लाइट नहीं है। और ये रहा एक, मेरा सर लग गया, ओए मम्मी। और ये देखो ये ऐसे बना रखा कि छेद हो गया इसमें, बना रखा। अच्छा तो ये देखो, ये है मतलब एक पहले घर कमरा है, फिर उसके बाद ये दूसरा कमरा, ये रहा। और ये भी बहुत ही प्यारा है, ये डबल साइड चूल्हा है। और आपको पता है ये देखो, ये रहता है, ये एक वो है मतलब क्या है, बोलते हैं इसको खिड़की। एक हाँ, जैसे हमारे यहाँ तो खिड़कियाँ वैसी रहती है बड़ी बड़ी, तो ये देखो यहाँ पर आले जैसी छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई गई है, जैसे कोई बाहर आता है ना तो ऐसे देखते हैं। देखो तो यहाँ पर ना एक मधुमक्खी का छत्ता है, मतलब आप देख सकते हो घर के अंदर मधुमक्खी का छत्ता, वो भी इस अलमारी के अंदर। ये देखो ये खुली खिड़की, बहुत ही ज्यादा रिक्स लेकर बना रही हूँ मैं। और ये रहा इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता, बस बस भाई बंद कर दो, मुझे अब इतनी जल्दी मरना नहीं है, तो इसको बंद ही कर दिया जाए, वही सही है। और ये क्या है, ये इनका पूजा का है, यहाँ पर ये पूजा करते हैं। देखो हमारे भगवान जी है यहाँ पर भी, इसको लाइक करे भगवान को, क्या करो लाइक, भगवान को लाइक करो, भगवान को तो सभी लाइक करते हैं। ये रही वो जो अकेले इस घर में रहती है, इतने बड़े घर में। मेरी ब्यूटी बड़ा नहीं है, ये बोलती है पहाड़ी में, इसलिए मुझे समझ नहीं आती। कल यहाँ पर बहुत सारे चुल्लू थे, पर आज इतने से ही बचे। चलो गाइस ये तो साबित था, यहाँ से जाती हूँ मधुमक्खी, चले गए अंदर। जो वो इतना बड़ा छत्ता है तो यहाँ से वो मधुमक्खी जाती है, तब ये अतुरी यार इसमें। तो गाइस अब हम जा रहे हैं चुल्लू लेने के लिए, ठीक है ना। वैसे तो मैंने बहुत सारे चुल्लू खा लिए हैं, पर अभी तक मैं पेड़ के पास नहीं गई, तो इसलिए मैं अपने हाथों से चुल्लू तोड़ूंगी और खाऊंगी। तो चलो चलते हैं इन बच्चों के साथ। गाइस गाइस चलो आज पूरा कट्टा भर गया। तो दोस्तों ये लगे यहाँ पर इतने सारे चुल्लू, और बच्चा पार्टी चढ़ गई है पेड़ में, और ये इतना शोर करते हैं कि बस मैं क्या ही बताऊं। देखो गाइस बूट में इतने चुल्लू रखे हुए, बंदर बैठे चारों बंदर, अरे दूसरा भी दिख रहा है। देखो गाइस बंदर बन गए गाइस, ऊपर गिर गया, बाहर टाइम ले पटा पट। अब ओए फलकी ना तिकी कबे तने गूंचल ये दाणू उंदे बे खाने। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे चुल्लू इकट्ठा कर लिए, और अब इनको हम खाते हैं। अभी नहीं खाना मीठा इतना है कि इसके आगे चीनी भी फेल है, बहुत टेस्टी। ऊपर से तो हमने इतने सारे चुल्लू तोड़ लिए, ऊपर से घंटी हमें गालियां दे रही है, बंदरों जब अब बस करो। पर बात ये है ना कि मुझे उनकी बातें कोई पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहाड़ी में बोल रही है ना, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए मैं उनकी बातें सुनती जा रही हूँ, हंसती जा रही हूँ, चुल्लू खाती जा रही हूँ। दे ला। तो गाइस आंटी ये बोल रही कि तुम्हें चुल्लू खाने हैं तो तुम खा सकते हो, पर लेकिन इसका जो बीज है उसको ये बोलते हैं ढीला, वो हमें चाहिए, क्योंकि ये जो बीज है ना इसका तेल बनता है, और मैंने इन बच्चों से पूछा उस तेल की ये सब्जी बनाते हैं, तो इसीलिए उनके लिए चुल्लू ज्यादा मायने नहीं रखता, ये बीज ज्यादा मायने रखता है, तो इसीलिए
हम चुल्लू खाएंगे और बीज उनके घर पहुंचाएंगे। तो ये यहाँ पर देखो बच्चों के हाथ में इतने सारे चुल्लू, चलो फटाफट से कट्टे के अंदर डाल दो इसे। तब तक आंटी आए बोले हमारे सारे चुल्लू खा लिए, तब तक तुम कट्टे में डाल दो इसको। तो अब हम जो सारे के सारे चुल्लू लेकर आए हैं उसकी नानी जी चटनी बनाएंगी। चलो हटो बच्चा बाटी, तो हम आपको दिखाएंगे कि चुल्लू की चटनी कैसे बनती है, ठीक है नानी जी। और नानी जी बहुत टेस्टी चुल्लू की चटनी बनाई है, ऐसा नहीं है मैंने खाई है, कल खाई थी मैंने, मिट्टी मिट्टी खट्टी खट्टी। तो हम आपको सिखाएंगे कि चुल्लू की चटनी कैसी बनती है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पर टमाटर और लहसुन छीली जा रही है और प्याज, चलो थोड़े बहुत चुल्लू दे दो खाने के लिए। और इसको देखो यार तुम कैसे कर लेते हो इतनी धूप में काम, हमें तो आदत है, हमें तो आदत है बस। लो नानी जी, नानी जी लो, ये हमने सबके बीच निकाल दिए। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पुदीना लेने के लिए चुल्लू की चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो जाता है कि और आती पूरी पलटन है। ये देखो जो मैंने आपको बोला था ना कि बीज सुखाते हैं, तो ये है बीज, इसका तेल बनेगा, इसलिए यहाँ पर सबने बीजों को अलग किया है। तो ये रहा यहाँ पर इतना सारा पुदीना, चलो हम इसको तोड़ते हैं। तो ये तोड़ लिया हमने इतना सारा पुदीना जिसकी बनेगी चटनी। इसको ये क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, मछार। हमारे यहाँ ना ऐसे चकोतरा रचाते हैं। नमक थोड़ा और डाल दिया। अब बच चुके हैं दिन के एक और अब यहाँ पर लगा रही है नानी जी हमारे लिए खाना, और यहाँ पर सारी बच्चा पार्टी बैठ गई, मैं भी इन्हीं के साथ ही हूँ। तो यहाँ पर नानी जी हमारे लिए खाना निकाल रही है, खाने में बना है आज चावल, क्या ये राजमा की दाल और राजमा की दाल, देखो मैंने ऐसे ही बोला था और वो ही बनी। तो अब मिल चुका है मुझे मेरा खाना और फटाफट से मैं अपना खाना खा लेती हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो गाइस अब हो चुका है हमारा चाय पीने का टाइम और यहाँ पर बन रहे पापड़, ठीक है। पापड़ तो हम भी अपने घर में बनाते हैं पर लेकिन ये वाले पापड़ बहुत खतरनाक है, जिसको बोलते हैं असली पापड़ है, देखो कितना बड़ा पापड़। तो खाना हमने खा लिया था 1 बजे, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अभी हम सब के सब जा रहे हैं घूमने के लिए। मुझे इन बच्चों ने बताया कि हम जा रहे हैं कोटीधार, क्या कोटीधार ना, कोटीधार। तो हम जा रहे हैं कोटीधार कि वहां से ना दूसरे गांव का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, तो चलो हम भी देखेंगे साथ में, आप भी देखना। तो चलो चलते हैं। ये रही मेरी बच्चा पार्टी जो मेरे दोस्त है इस टाइम पे, ठीक है। और वहां पे देखो वहां गाय चुंग रही है और उस वाले पहाड़ में जो वो वाला पहाड़ है वहां पर बकरियां चुंग रही है। और ये सबसे प्यारी बच्ची, इसका नाम है चुटकी, ये मेरा बहुत ख्याल रखती है ना, है ना, थैंक यू। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कोटीधार, देखिए। तो ये रहा कोटीधार, ये है एक गांव, बमड़े गांव का पूरा पूरा घर दिखाया जाएगा। आप वीडियो को लाइक करें बस। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे। तो ये देखो यहाँ से पूरा व्यू दिखता है, ये देखो ये है घर, मतलब घर नहीं, ये है गांव, एक गांव ये है, एक गांव वो है और एक गांव वो है, मतलब यहाँ से सारे गांव दिख रहे हैं यार सच में। ये देखो यहाँ से सारे गांव दिखते हैं। हम रास्ते में घूम रहे थे, हमें दिख गए यहाँ पर एक किनगोड़ का पेड़, इन्होंने नहीं देखा मैंने देखा सबसे पहले, और मुझे देख कर ही पता चल गया कि ये खाने की चीज है और ये ना टेस्टी भी है यार खाने में। अच्छा लग रहा है तुझे? ना। क्यों? मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। वो तो खेबड़ी है। तुम्हें अच्छा लग रहा है? कौन है खेबड़ी, तेरी बहन? तो अब हम आ गए बूढ़ी नानी के घर जो बनाएंगे चूल्हे में असके। तो यहाँ पर हमारे असके बनकर हो चुके हैं तैयार। यार ये सॉफ्ट कितने हैं, देखना। अरुण आएगा? Thank you.
बैगन। तो छोटी नानी के घर से अब हम आ गए अपने घर, और सच में उन्होंने बहुत ही टेस्टी स्कैम बनाए थे। मैंने पूरे 2 खाए और इसने कितने खाए तूने? 3। इसने खाए 3। तो हम आ गए घर, और आज हमारी जो अरब की नानी है, जो बड़ी नानी है ना, छोटी है, छोटी नानी, हाँ जो छोटी नानी, उन्होंने आज चटनी नहीं बनाई क्योंकि आज वो खेतों में काम कर रही थी, इसलिए उन्हें आज बहुत थक लग गई थी। इसलिए उन्होंने बोला बेटा मैंने आज चटनी नहीं बनाई। मैंने उन्हें 1 बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार की नानी जी चटनी बना रही, चटनी बना रही। उन्होंने बोला नहीं बनाई कि मैंने आज, क्योंकि उन्हें आज थक लग रही है। तो हम इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, मुझे राधे राधे, एक मिनट रुको, अभी बोलते हैं। तो अगर आपको, मैं हमेशा मेरी व्लॉग ही बनाती हूँ, आपको जैसे कि पता है, अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे और आपको अगर लगता है कि मुझे बड़ी वीडियो भी बनानी है, लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए, तो मुझे कमेंट करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।